नाजरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ वन और मैं हूँ सादिक यालवी। नाजरीन हालिया सैलाब और बारिश की वजह से कोहिस्तान में बेशुमार नुकसान हुए हैं रह गए हैं, क्योंकि मौसलाती जो निज़ाम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया रही है। कंजा वैली में रोड तो मुकम्मल वाटर वाश हो गया है, और जो रास्ते थे जो दूसरे गाँव को जाने के लिए वहाँ पर पहले से रोड भी मौजूद नहीं था, वो भी रास्ते ख़त्म हो गए। तो लोग जो आजकल खाने पीने के जो सामान है वो कंधा जो जापान पुल है वहाँ से कंधों पे उठा के तकरीबन 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के फासले पर उनको कंधों पे उठा कर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खच्चर और घोड़े वगैरह चलने का भी रास्ता नहीं है। तो कंधा के लोग और खुसूसन जो जितखाड़ के लोग वो काफ़ी मुतासर हुए हैं इसमें। रोज जो डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ का विज़िट किया, और एज ए वॉलंटियर मैं भी डीसी साहब के साथ मौजूद था, और जो सिविल डिफेंस के जो अदाकार थे वो भी डीसी के साथ मौजूद थे, और कंधा में जो लोग रोड बना रहे थे उनकी दादरसी की, और जो उस दिन का जो खाना था वो डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पे जाके अरेंज करके जो सिविल डिफेंस के जो एहलकार थे उनके साथ मिलके उन तमाम लोगों कंधा के जो लोग हैं जो रोड बना रहे हैं उनके लिए खाने का बाकायदा एहतमाम किया गया। तो नजरें कहने का मतलब ये है कि आजकल कोहिस्तान में जो कंधा के लोग हैं और जितखाड़ के लोग हैं वो बहुत मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत मुश्किल में है। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम जो कोहिस्तान के जो यूथ है और कोहिस्तान के जो मुखैर हजरात है वो कोहिस्तान में अपने गरीब भाइयों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और जो माली और जानी जो इमदाद है वो उनके साथ बिल्कुल जाके बराबर के शरीक हो जाए, और उनके अपने जो माल और जान का भी सदका उनके साथ दे दे ताकि उनकी बहाली जल्द अज जल्द हो सके, क्योंकि वो बहुत मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनके लिए जो खर्चे है वो रोज़ बरोज़ उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो स्टोर उनके पास होते थे जो ख़र्चा जो जमा किया होता था वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो बाज़ लोग हैं वो तो बिल्कुल बेसर व सामान हो गए, क्योंकि सैलाब पूरा जो गांव है वो बहा के ले गया है, किसी का घर गिर गया है, किसी का कोई और अमवात हो गई है, किसी के माल मवेशी ले के सैलाब बहा के लेके गया है, तो लोग काफ़ी मुश्किल में हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग उनकी भरपूर मदद करें, और इंशाल्लाह हम भी अपना इस प्लेटफॉर्म से अपने जो मुतासरीन जो भाई है जितखाड़ और कंधा के उनके लिए खुसूसी आवाज़ उठाएंगे, और आप लोग अगर चाहे तो आप हमारा प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें भी आगाह कर सकते हैं, और जहां भी गैर कानूनी एक्टिविटी हो या जो ज़िले इंतज़ामी हो वो गफलत बरते तो आप हमें आगाह कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आप लोगों का साथ देंगे और आप लोग भी हमारा साथ दें। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और नेक्स्ट प्रोग्राम लेके आपके खदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए।